सो गाइस, अभी मैं करने लगी हूँ अपनी सेकंड सहरी, क्योंकि आज है, अब दोबारा है 10th मुहर्रम स्टार्ट हो गया. और आपको पता है कि मुहर्रम के दो रोजे होते हैं, एक 9th एंड 10th. यहाँ पे अनाया अभी पढ़ी है, यासीन पढ़ी है खत्म के लिए, और यहाँ पे ये डाल दिए कोलियों में खीर. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल किंजल दिशान. तो अभी हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं रात के कोई 3:30 बजे के करीब करीब, क्योंकि आज हमें रखना है रोजा. तो मैं और नाया करने लगे हैं सहरी की तैयारी. ये बच्ची हुई रोटी पड़ी हुई थी रात की, तो हमने कहा इसको फ्राई करते हैं. मुझे नहीं पता था कितने बजे बंद हो रहा है, 4 बजे होना. मकई की रोटी बनाने का, मैंने कहा मकई की रोटी बना लेती हूँ. और ये दूध है और ये मलाई और साथ चपाती. ये मैं वो नाया है, पानी की बोतल है, ये इसके वो लाल ढक्कन है. अनाया यहाँ पे कुछ पढ़ लिया, नमाज इसने पढ़ लिया, मैं तो पढ़ चुकी हूँ और मैं अब जा रही हूँ सोने. तो अब मैंने नमाज पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह से, और मैंने रोज़ा बंद कर लिया. तो अब कूलर वाले हैं पीछे, आप देख सकते हैं ये दोनों सोए हुए हैं. तो मैं भी अब सोने लगी हूँ और आपसे मिलूँगी अब सोकर उठ कर, और आपसे सारी रूटीन शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ. हेलो गाइस, तो अभी मैं सोकर उठ चुकी हूँ और मेरी मॉर्निंग हो गई है सुबह 11 बजे. जी वानिया साहिबा ने उठा दिया था मुझे, और अभी ये दोनों लगे हुए हैं. बाकी घर में सारे सो रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं अपने ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ, और दिन क्या क्या करती हूँ आपसे वो सारी रूटीन शेयर करूंगी. तो आपने मेरे ब्लॉग को शुरू से अंत क्लास में देखना है. और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें. आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. और आगे बहुत अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं ताकि आपसे वो ब्लॉग मिस ना हो सके. तो आपसे मिलती हूँ पूरी रूटीन में, आज आपसे शेयर करूंगी कि मैं आज क्या क्या करती हूँ और मेरा रोज़ा कैसा गुजरता है. अभी तक तो फिलहाल अच्छा ही गुजर है, जाहिर है अभी सोकर उठी हूँ, अब आगे पता चलेगा क्या कैसा गुजरता है. जी सोच रही हूँ कि इनको मैं नूडल्स बना देती हूँ, वानिया और अब्दुल्ला दोनों को. और ये देखिए वानिया और अब्दुल्ला दोनों क्या कर रहे हैं. ये दोनों बैठे हुए हैं जी, अब्दुल्ला साहब ये बैठे हुए हैं, और ये वानिया लगी हुई है. मैंने अभी फैन ऑफ किया हुआ था व्लॉग के लिए, और अभी सख्त गर्मी लगना शुरू हो गया. तो अब मैं हाँ बाबा अभी मैं फैन ऑन करूँ ताकि गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है. तो आपसे मिलती हूँ आगे. भाई कभी धूप निकल आती है और कभी छाँव. किधर हो अब्दुल्ला? अब्दुल्ला कहाँ है? अनाया अब्दुल्ला कहाँ है? इधर आओ, आ जाएगा आ जाएगा. कि वो कह रही मैं डांटूंगी जल्दी, एक सेकंड के अंदर अंदर वापस आओ. और नया बाजी 100 करोड़ की चुकी थी. इधर आओ अब्दुल्ला. वानिया जे फ्रेश खाओ, मानो के फ्रेश बने हैं. भाई को बुलाओ, इधर आओ, फ्रेश फिनिश करो. और वह घूमने की पड़ी भी होती तुझे. यहाँ पे अब बनने लगी है खीर, अब खीर चढ़ा दी है. ये रहा खीर का दूध, और यहाँ पे मैंने पकौड़ों का मिक्सचर बना दिया. अभी मैं पकौड़े फ्राई करूँगी इफ्तारी में. और यहाँ पे दही भले मंगवाए हैं 3 प्लेट, ये मैं इसको सर्व करूँगी. और यहाँ पे हैं जी समोसे, जब मैं डालूँगी तो तब आपको मैं दिखाऊँगी. यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पकौड़े, आप देख सकते हैं क्योंकि सारी कड़ाई में आप करीब करीब आ गए, और इस टाइम ना हालत ज़रा टाइट हुई है. क्या हो अब्दुल्ला? पानी पीना है, ऐसा पी लो. ये ग्लास में डाल देती हूँ, चलो. देखो पसीने से फुल भीगे हुए हो. यहाँ पे मैंने बना लिया पकोड़े, और ये मैंने चाट डाल दिया है इस बॉल में, और ये सब पापड़ी है, ये चटनी इसकी बड़े मज़े की होती है. और ये समोसों के साथ जो चटनी आई थी मैंने कैसे डाल देती हूँ. और साथ ये बन रहे हैं पकोड़े. एक बैच निकल आएगा, साइड पे हाँ फिजान को फ़ोन करो, रोजे इफ्तारी का टाइम हो गया आज. एक ये जनाब खीर रेडी हो चुकी है, इसको हमने बॉल्स में डाल दिया है. वो मैं वीडियो बनाना मिस होगी मेरे से, क्योंकि रोज़ा था, वो मैं इफ्तारी कर रही थी, तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर दूँ. ये भी हम जो इधर सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे घरों में, तो वो मैंने हमने ट्रेस बना दिया मम्मा ने, तो अभी अनाया इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी. पहले हम ख़त्म पढ़ लें उसके बाद. यहाँ पे अनाया अभी पढ़ी है, यासीन पढ़ी है ख़त्म के लिए, और यहाँ पे ये डाल दिए कोलियों में खीर, क्योंकि खीर रेडी हो चुकी थी, मम्मा ने बना ली थी. तो अभी अनाया ही जाएगी इसको डिस्ट्रीब्यूट करने. अनाया यासीन पढ़ के ना थोड़ी, मम्मा कह रही हैं दुआएँ भी पढ़ लेना. ओके okay. तो मैं देखूँ अब्दुल्ला और वानिया क्या कर रहे हैं. और जी अनाया ने दुआ कर लिया है, और अब अनाया बाजी इसके ऊपर चादर रखो, चादर कह रही हूँ, रुमाल रख और लेके जा अब्दुल्ला को साथ ले. अब्दुल्ला जाए जो अभी के साथ ये नियाज बांटने जा रही है. ये जी मुहर्रम की नियाज हमने बनाई थी, 9वीं मुहर्रम की. तो अल्लाह पाक, ये मम्मा ने बनाई है खीर, बाकी खीर खाते हैं.
ये भाई गली में ना नया पिक। ओके नया जाओ पहले सामने लगे घर दे आओ। अब्दुल्ला नया के साथ जाओ। ओके मैं जा रही हूँ अंदर तुम लोग जाओ। अभी शाल के घर जा रहे हो। अब्दुल्ला है ना तेरे साथ बल्ले बजाने के लिए। तो नहीं बजा सकेगा इतनी ऊंची। हाँ नीचे लगी लाइट ऑफ है। चलो आगे जाके बैल बजाओ। दे दिया कितने गर्म है। ये भी बात सुन ये अपनी इसी में रख देना। ये सामने आंटी ने दिया एक साथ में देने ये फिर बाकी ये ट्रे फुर भर के ना ये इस तरह पकड़ यूँ कर। अच्छा यूँ करके चल ध्यान से पकड़ कवर रख ऊपर यहाँ पे कोई बच्चा चच्चा ना गिर जाए। जा खोला आंटी वगैरह को दिया। सात लोग भी दे मैं अंदर जा रही हूँ। फिर बड़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है और वो कैमरे में नहीं आ रही। वो बिजली कितने मजे की चमकी है। इस लाइट के सामने आएगी बारिश नजर। इंदर क्या कर रही हो। मैं बना रही हूँ अभी मकई की रोटियाँ और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। जा वीडियो बना बारिश दिखा बड़े मज़े की हो रही है। तुम्हें सुबह वीडियो बनी तैयारी बनाई थी उसकी बारिश। सो गाइस अभी मैं करने लगी हूँ अपनी सेकंड सहरी क्योंकि आज है अब दोबारा है 10th मुहर्रम स्टार्ट हो गया और आपको पता है कि मुहर्रम के दो रोज़े होते हैं एक 9th एंड 10th। तो मैं प्लेट नीचे रख देती हूँ। मैंने बनाई अपने लिए मकई की रोटी और साथ दूध का ग्लास रखा है। मैंने कहा सहरी कर लूँ। अपने ब्लॉग को मैं एंड नहीं कर सकी थी क्योंकि इन दोनों ने इतना तंग किया हुआ था अब्दुल्ला और वानिया ने कि जिसकी कोई हद ही नहीं। ये दोनों देखें सो रहे हैं आराम से घोड़े बेच के और मैंने साथ फ़ैन ऑफ किया अब्दुल्ला हिलने लगे। मैंने साथ फ़ैन ऑफ किया हुआ क्योंकि फिर आपको पता है कि आवाज़ डिस्टर्ब होती है सही क्लियर नहीं आती। तो मैं कर रही थी सहरी और मैंने सख्त नींद आई हुई है। मैंने कहा मैं सोती हूँ। फिर मैं वेट करती थी सहरी का कि मैंने कहा सहरी हो तो उसके बाद एक ही बार खा के सोचो और बाहर बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है और मौसम भी काफ़ी ना चेंज हुआ हुआ है। तो भी अनाया तू जाके दिखाएगी बड़ी बारिश इस टाइम कुनिया शुनिया खुली थी। हाँ खुली। चल अभी जाके थोड़ी देर ना मुझे मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। एंड में जाके बारी बारिश दिखा क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मेरे ख्याल में 11 बजे से स्टार्ट हुई थी और अभी 3:30 का टाइम हो रहा होगा और अभी तक स्टिल बारिश हो रही है और मौसम बड़े मज़े का हो गया। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। कल की भी मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैंने आपके साथ पूरी रूटीन शेयर की है कि मैंने क्या 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 किया है। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते।